गाइस लोग कितने मौका परस्त होते हैं ना। मौका परस्त तो फिर भी छोटा वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं कह नहीं सकती। देखिए ना किसी की इमोशंस की ना किसी की फैमिली की रेस्पेक्ट की। सिद्धार्थ की फैमिली कई बार अपील कर चुकी है कि भाई कि ये एक नेचुरल डेथ है, लेकिन फिर भी लोग अपने एजेंडे के लिए जबरदस्ती सिद्धार्थ का नाम SSR केस से जोड़ रहे हैं, यानी सुशांत सिंह राजपूत। देखिए अगर आप एक सिडनास फैन हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। एक आप ही हैं जो इन चीज़ों को रोक सकते हैं, आपके सपोर्ट से ये चीज़ें रुक सकती हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए गाइस किया क्या जा रहा है। अभी अभी रिसेंटली अगर आप ट्विटर पर देखेंगे तो बहुत सारे सिडनास फैंस पेजेस हैं, अकाउंट हैं जो जेन्युइन हैं, बहुत पहले से हैं। अगर आप उनके फॉलोवर्स देखेंगे ना, 3 से 4 दिन में हर एक अकाउंट के फॉलोवर्स लगातार बढ़ रहे हैं, और जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो नए अकाउंट हैं, और सिडनास की DP लगा ली है या सिद्धार्थ के फैन बन गए हैं। तो अब आप समझिए कि अचानक से इतने ज़्यादा फैंस कहाँ से आ गए। ज़्यादा सा मतलब कि एकदम से फॉलो कर रहे हैं, जबकि जो रियल फैन है वो दुख में है, परेशानी में है। बहुत से लोग तो ऑनलाइन आ भी नहीं रहे हैं। तो ये जो है, इस बात को ट्विटर पर लोग समझ रहे हैं, फैंस को वो चीज़ें समझ में आने लगी है, इस पे बात हो रही है कि भाई ये क्यों फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि कई दिन से हम भी देख रहे हैं लगातार क्या होता है, वो लोग कोई YouTube की वीडियो पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उस तरफ डाइवर्ट करने के लिए कि जो सिद्धार्थ की डेथ है वो भी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की तरह कॉन्स्पिरेसी है और उस पर बात होनी चाहिए। आप समझ नहीं सकते कि शहनाज के बारे में भी कितना गंदा बोला है, कितना गंदा। मैं किसी का भी नाम मेंशन नहीं करूंगी, ना कोई चैनल मेंशन करूंगी, क्योंकि आप लोगों में इतनी समझदारी होनी चाहिए, उन लोगों को जाके नहीं देखना है। अगर आप वहाँ रिएक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो वो लोग और ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि किस लिए बना रहे हैं वो? व्यूज़ के लिए बना रहे हैं। कुछ तो ब्लू टिक के लोग, आप समझ नहीं सकते, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं सिद्धार्थ के नाम के थ्रू। और ये ऐसे क्यों होता है, सिद्धार्थ के साथ ही क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ का नाम इतना बड़ा है, उनकी फैन पावर बहुत ज़्यादा है। अब लोगों को लग रहा है कि फैंस का थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट करें और अपना पैसा छापें, अपने व्यूज़ बनाएं, भले ही फैमिली कितने ही दुख में हो, किसी के इमोशंस कैसे ही हो। सो गाइस आपको ये ध्यान देना है कि आपको इन चीज़ों पर बात नहीं करनी है, आपको इन चीज़ों को जाके नहीं देखना है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो भी कह रहे हैं सब कुछ फेक है, उन वीडियोस में कहीं कुछ नहीं होता है। ये कुछ लोग ना अन्याय का देवता बने हुए हैं। वैसे आप देखिए इन्होंने क्या उखाड़ लिया सुशांत के केस में, क्या कर लिया, कुछ हुआ क्या, सिवाय सुशांत की फैमिली जिस दर्द से गुजरी है इस टाइम अभी तक, और अब भी वो गुजर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के अपने मकसद हैं, अपने व्यूज हैं, अपने लाइक्स हैं, वो कमाने हैं, जी हाँ, और उन्हीं चीजों को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानती हूँ मुझे फॉलो करने वाले सिडनास फैंस हैं, आप इस बात को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम सिद्धार्थ की फैमिली को, तो अपना सपोर्ट दिखाइए और इन चीजों से दूर रहिए।